चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 50 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60 तक। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए है लाभ अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग। बी है संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सी है रोजगार प्रदान करना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। डी है नीति निर्धारण, पॉलिसी डिटरमाइंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाभ अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 52। हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए है 10, बी है 3, सी है 14, डी है 15। तो हेनरी फ्योल के जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो हैं 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर 53। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। ऑप्शन ए है गति अध्ययन, बी है थकान अध्ययन, और सी है समय अध्ययन, और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 54। मानसिक क्रांति मूलाधार है। मेंटल रिवैल्यूएशन इज द एसेंस ऑफ। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। बी है संयोजन, कॉम्बिनेशन। सी है विवेकीकरण, और डी है पेशा, प्रोफेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 55। नीति निर्धारण कार्य है। पॉलिसी डिटरमाइंड इज वर्क। ऑप्शन ए है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, हाई लेवल मैनेजर्स। बी है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, मिडिल लेवल मैनेजर्स। सी है परिचालन प्रबंधक का, ऑपरेशन मैनेजर, और डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। तो जो नीति निर्धारण कार्य है वो है हाई लेवल मैनेजर्स का, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, हाई लेवल मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 56। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन ए है गतिशील, डायनामिक। बी है लोचशील, फ्लेक्सिबल। सी है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, और डी है ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवेन बाय टेलर। ऑप्शन ए है विज्ञान न की रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बी है क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। सी है सहयोग न की व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डी है समन्वय न की मतभेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रियात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 58। हेनरी फ्योल था एक, हेनरी फ्योल वाज। ऑप्शन ए है समाज वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट। बी है खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। सी है लेखाकार, राइटर। डी है उत्पादन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी खनन इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर। मतलब हेनरी फ्योल जो थे वो माइनिंग इंजीनियर थे। क्वेश्चन नंबर 59। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के हैं। द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑफ ओनर्स। ऑप्शन है
पक्ष में इन फेवर, बी है विपक्ष में अगेंस्ट, सी है बोथ और डी है हेल्पफुल। तो वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के पक्ष में है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पक्ष में इन फेवर। क्वेश्चन नंबर 60, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर रेमुनरेशन। ऑप्शन है वृद्धि इंक्रीज, बी है डिक्रीज कमी, सी है दोनों और डी है न वृद्धि न कमी, नाइदर इंक्रीज नॉ डिक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वृद्धि इंक्रीज। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट इंक्रीज वर्कर रेमुनरेशन। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।